नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपने घर के पूजा स्थान पर या मंदिर पर हमें कौन सा दिया जलाना चाहिए, घी का दिया जलाने के कौन कौन से लाभ हैं, या तेल का दिया जलाने से हमें क्या लाभ मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी चैनल पर नए आए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई भी आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह का रोग है तो उस रोग से निजात पाने के लिए आपको किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जी हाँ, आपको यह जानकर अजीब लग रहा होगा कि मंत्र उच्चारण से किस तरह से रोग ठीक हो सकता है, पर आप एक बार मेरे द्वारा कहे गए सुझावों को मान कर देखिए। इसमें कोई भी किसी तरह का पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ जिस रोग से रिलेटेड जो मंत्र है उस मंत्र का जप करना है आपने। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलता है तो आप उस मंत्र उच्चारण को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस और हाँ, वीडियो के ख़त्म होते ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप घर में कौन सा दिया जलाते हैं, घी का या तेल का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर के पूजा घर या मंदिर में घी, तेल, सरसों, तिल या चमेली के तेल का दीपक जलाने के प्रचलन है। सभी को जलाने का अलग अलग महत्व होता है। घी का दीपक जलाना महंगा पड़ता है, इसीलिए लोग तेल का दीप ही ज़्यादा जलाते हैं। आओ जानते हैं तेल या घी के दीपक में से कौन सा दीपक ज़्यादा शुभ है। तो ऐसी मान्यता है कि देवी या देवता के दाएं हाथ की ओर घी और बाएं हाथ की ओर तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक सफ़ेद खड़ी बत्ती, जिसे फूल बत्ती कहते हैं, उससे जलाते हैं, और तेल का दीपक लंबी बत्ती से जलाते हैं। हालांकि तिल के तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल या पीली बत्ती लगानी चाहिए। घी का दीपक देवी देवता को समर्पित किया जाता है, जबकि तेल का दीपक मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। इससे देवी और देवता प्रसन्न होते हैं। सरसों या तिल के तेल का दीपक शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए जलाया जाता है। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए
तीन कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाना सबसे शुभ। घर या मंदिर में घी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे सभी तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं, साथ ही घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। यह सभी तरह की पीड़ा का नाश कर देता है। शिव पुराण के अनुसार प्रतिदिन घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि घी का दीपक जलाने से वायु शुद्ध होती है और हवा में मौजूद कीटाणुओं का नाश होता है। इसकी सुगंध से मानसिक शांति मिलती है और डिप्रेशन दूर होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि घी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जो त्वचा के ब्लड सेल्स को एक्टिव कर देता है, जिसके कारण चर्म रोग नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमने ये जाना कि घर में घी का दीपक जलाने के या तेल का दीपक जलाने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि घर पर घी का ही दिया जले, क्योंकि इससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। हमारे आसपास की हवा में जितने भी कीटाणु हैं, वो घी के दीपक जलाने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा घी का दीपक जलाने से हमारा मन और मस्तिष्क दोनों शांत रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी घी का दीपक जलाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके अलावा जिन भगवान की आप आराधना कर रहे हैं, वो भगवान भी घी का दीपक जलाने से ज़्यादा खुश होते हैं। उम्मीद है आज की दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।